कैसे आप सभी लोग, मैं हूं आपका होस्ट सब कुछ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे शो के बारे में जिसको खत्म करने के बाद सीधा आप टोनी कक्कर एंड नेहा कक्कर के गाने में आ सकते हो। इस शो में जाने के लिए अगर आप बस दो सिंग हैं तो आप इस शो में जा सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्वीट हैं तो आप जा सकते हो, अगर आप एक रैपर हैं तो जा सकते हो, अगर आप थारा भाई जैसे छाती पीटने वाले तो भी जा सकते हो। कई लोगों के लिए मनोरंजन का साधन है, कई लोगों के लिए मार कुटाई का साधन है, पर हम जैसे लोगों के लिए कंटेंट का साधन है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। मैं हूं शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे रूट्स। तो बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें आपको अपने चाहने वालों के असली चेहरे दिखते हैं। बाहरी दुनिया में चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो दान पुण्य करता है चाहे नहीं करता, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, पर बिग बॉस में आकर उसकी असली चेहरे असली रंग के बारे में दिखता है। तो हमारे पहले कंटेस्टेंट है अब्दुल रोजिक, इनकी उम्र 19 साल की है। थोड़ी सी जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण इनकी हाइट वगैरह छोटी रह गई थी, बट ये बहुत ही कम टाइम में सभी के फेवरेट बन चुके हैं। सलमान खान जितना इनके साथ गले मिलते हैं, मुझे लगता है अपनी अगली फिल्म में कभी ईद कभी दिवाली और टाइगर 3 में हो जाता है इसको ना ले लें। अब्दुल रोजिक, ये तू कहां आ गया, ये जानवरों का शो है। अगर आप यहाँ पर तो टीआरपी लेना है तो टीआरपी सिर्फ नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ तक सीमित है, इसके आगे कोई सीमित नहीं। अगर तू बिग बॉस जीत भी गया तो तुझे सिर्फ 3-4 गाने ही मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें तूने सिर्फ एक बार होठ हिला के बस ये बोलना धीमे 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 या फिर कांटा लगा उइमा उइमा उइमा, बस यहाँ तक सीमित है। और ये पेशे से एक सिंगर भी है, सिंगर भाई। तो इंडियन आइडल के शो में जा रहा था, इंडियन आइडल का शो पीछे रह गया है। अब्दुल रोजिक के इंडियन आइडल नहीं है, इस शो में ना तेरे बाल कूट भी दिए जाए, मुंह तोड़ भी दिया जाएगा। इनको सिर्फ जीतना है, जीतने के बाद सिर्फ इनको 2 गाने लेने हैं टोनी कक्कर और नेहा कक्कर के। अगर तू इंडियन आइडल जा रहा था तू गलत रास्ते पे आ गया, तुझे चाय वाले नुक्कड़ पे रुकना था, ना कि तूने नुक्कड़ से आगे निकलना था। पूरे बिग बॉस में ये इस बच्चे को सिखा रहे हैं हिंदी। मुझे तो लगता है 3-4 एपिसोड सिर्फ इन्होंने हिंदी सिखाने के लगाए हैं इस बच्चे के लिए। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट है एमसी स्टैन के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं उसे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, उनके गाने सुनता हूं भाई, बहुत बढ़िया बनाते हैं। बट एमसी स्टैन भाई ये कहां आ गए, एमसी स्टैन भाई ये हसल नहीं है जहां पर आप सबको मोटिवेट करोगे, नहीं भाई ये बिग बॉस है। इन लोगों को कुछ नहीं पता ये तुम्हारे लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट जो ये करेंगे ना तुम्हारे दिमाग से बाहर होगा, उसमें रैप रूम नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ थप्पड़ चलेंगे। एमसी स्टैन बिग बॉस जीतने नहीं सिर्फ शो ऑफ करने आए हैं, या अपने 80,000 के जूते दिखा रहे हैं या 1.5 करोड़ का अपना हार दिखा रहे हैं। अरे एमसी स्टैन भाई अपना शरीर देखो और चेन देखो भाई। माना एमसी स्टैन भाई पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, पर ये कहाँ लगा रहे हो, ये चेन भी तुमसे भारी लग रही है। आज के लिए इतना ही, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और बाकी वीडियोस चेक करना ना भूलें। अभी ये पार्ट 1 है बिग बॉस का, पार्ट 2 भी आएगा।